नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी, आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर लगातार अपने विवादित बयानों से घिरी हुई नजर आ रही हैं, जिसके चलते भाजपा पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण नामांकन फॉर्म भरने के समय देखने को मिला है। नामांकन के दौरान एक डमी फॉर्म भी भरा गया है और ये डमी फॉर्म के रूप में सांसद आलोक संजर ने फॉर्म भरा है। अपने विवादित बयानों से लगातार घिरी रहने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सीहोर में सभा को संबोधित करते समय साध्वी प्रज्ञा के बिगड़ते बोल नजर आए हैं। एक बार फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह को आतंकी बताया है और साथ ही यह भी कहा कि इस आतंकी का समापन करने फिर से एक सन्यासी खड़ी हुई है। लगातार अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि 16 वर्ष पहले उमा दीदी ने हराया था, तब ये मुंह उठाने की कोशिश भी नहीं कर पाया था और अब फिर से जो उगा है तो दूसरी सन्यासी सामने आ गई है और अब जो इसका समापन होगा तो दोबारा उग नहीं पाएगा। फैक्ट्रियां बंद करवाई, गन्ना फैक्ट्री, गन्ना मिल, 5 प्रकार की ऑयल मिल, ये सब बंद करवाए उसने, लोगों को बेरोजगार कर दिया। गुना लेके गए थे यहाँ से फैक्ट्री का गन्ना पूरा सीओ का, फिर गुना ले, खुद का व्यवसाय बढ़ाया, खुद की फैक्ट्री बढ़ाई, ये आप लोग स्वयं भोगे हुए हैं। इसलिए अब फिर से ऐसे आतंकी का समापन करने के लिए, फिर से ऐसा बेरोजगारी को बढ़ाने वाले लोगों के लिए एक फिर से सन्यासी को खड़ा होना पड़ा है। उमा दीदी ने हराया था 16 वर्षों पहले, तो 16 वर्ष में ये मुंह उठाने की कोशिश नहीं कर पाया था कि राजनीति करने की कोशिश कर लेता, और अब फिर से जब उगा है तो एक दूसरी सन्यासी सामने आ गई है जो इसमें इसके कर्मों का ठीक से परिणाम है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आजीवन ही नहीं आएगा, और अब जब समापन होगा तो फिर कभी उग नहीं पाएगा। बोलो भारत माता की जय। मेरा कहना है गर्मी बहुत है, धूप बहुत होगी, तो सबसे पहले मतदान और फिर जलपान, ये मोदी जी का आग्रह है, आह्वान है। और इतना ही कहना है कि आप अकेले वोट डालने नहीं जाएंगे, आप घर घर से वोटर्स को निकालेंगे और घर घर से वोटर्स को, महिलाएं समझ लें इस बात को कि किसी भी प्रकार से आपको आलस्य नहीं करना है, सब जिम्मेदारियां निभाते हुए, लेकिन राष्ट्र की जिम्मेदारी सबसे पहले निभाइए और मतदान करिए। मोदी जी को जिताना है, देशभक्ति अपने लाना है, देश को सुरक्षित करना है, धर्म का रक्षण करना है, तो निश्चित रूप से मोदी जी को लाना है। और मोदी जी के लिए एक एक वोट अपना महत्वपूर्ण है, यहाँ सब इकट्ठे वोट पड़ेंगे, वो मैं लेकर के संसद में जाऊंगी और संसद में जब मोदी जी को वोट करूंगी तो निश्चित रूप से सबके वोट मिल करके मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर मोदी 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 मोदी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।